जी, तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो पहला क्या है, डिटेक्ट सीक्वेंस डिटेक्टर डिटेक्ट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन टू वे, वन इज ओवरलैपिंग, अनदर इज नॉन ओवरलैपिंग वे. तो ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग वी विल डिस्कस विद द क्वेश्चंस. जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तब अपन को समझ में आ जाएगा. थर्ड जो है, वंस सीक्वेंस इज कंप्लीटेड द सर्किट आउटपुट बिकम्स वन. तो अब इसमें क्या है, जो आउटपुट वाली टेबल अपन बनाते थे वो आउटपुट वाली टेबल यहाँ पे हमेशा उसमें जीरो रहेगा. जैसे ही आपकी सीक्वेंस कंप्लीट हुई, मतलब आपका टारगेट डन हुआ, तो आउटपुट आपका वन हो जाएगा, अदरवाइज वो जीरो रहेगा. यहाँ तक क्लियर है? तो ये तीन जो चीजें हैं इसको ध्यान में रखना है. अब अपन इसमें काम शुरू करते हैं कि कैसे अपन इसको बनाएंगे. सबसे पहले अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सीक्वेंस डिटेक्टर डिटेक्ट्स सीक्वेंस 111 एंड ओवरलैपिंग इज अलाउड. अभी हमने जो बताया कि दो वे होती हैं ओवरलैपिंग कंडीशंस में, ओवरलैपिंग एंड नॉन ओवरलैपिंग. तो जो ओवरलैपिंग अलाउड है उसमें देखो क्या होता है वो बता देते हैं. ओवरलैपिंग अलाउड में जब आपको 111 मिलेगा, आखिरी वाला वन, तो आखिरी वाला वन किसी भी एक स्टेट पे, जैसे अपने पास यहाँ पे तीन स्टेट्स दिख रही होंगी इस क्वेश्चन में, तो तीन स्टेट अपने मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, तो लास्ट स्टेज पे अपन क्वेश्चन को एंड कर देंगे. लेकिन नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन में जब आपकी फाइनल इनपुट मिला, जैसे लास्ट में 111 जो थर्ड वाला वन मिलेगा, तो जैसे ही अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, टारगेट कंप्लीट हुआ, तो अपना सर्किट रीसेट हो जाएगा. मतलब जो आखिरी वाले जो वन है उस पे अपन वापस से पहली स्टेट पे मूव कर जाएंगे ऑटोमेटिकली. सर्किट गोज टू रीसेट आफ्टर गेटिंग द टारगेट. ओके, तो अब ओवरलैपिंग सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं अपन. हमें दिया हुआ है 111, तो अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, अपन एक स्टेट टेबल बनाते हैं जिसमें अपन लिखते हैं प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट. ठीक है, अब आप देखो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट में क्या क्या आता है, एक इनपुट जीरो है एक वन है. मतलब दो ही कंडीशन हो सकती है अपने पास, या तो जीरो या वन. अब हम शुरू करेंगे इनिशियल स्टेट ए से, ये अपन ने रैंडम ली हुई है. ठीक है, अब रैंडम स्टेट अपन ने ली है ए. अब क्या होगा, ए स्टेट से हमें देखना है हमारी गिवन डिजायर्ड सीक्वेंस क्या है, 111. मतलब इनिशियली जब अपने पास वन आएगा तब अपन ए से किसी अगली स्टेज पे मूव करेंगे, और जब वन की जगह जीरो आएगा तब अपन कहीं मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन क्या मिला है कि हमें वन आएगा तभी वो सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा. तो ए से जब इनपुट एक्स इक्वल टू वन है तो हम कहाँ जाएंगे, बी पर, बी. और ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसमें हम लिखते हैं वन, मतलब वो सीक्वेंस, ताकि हमें मेमोराइज रहे कि बी हमें कब मिला है. बी हमें मिला है जब हमें वन मिला है. ठीक है, जब इनिशियली फर्स्ट वन आया तो हम बी पर आए, लेकिन अभी सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुई है तो आउटपुट अपना क्या है, जीरो. यहां तक क्लियर है सबको? अब जब अपन ने एक्स इक्वल टू जीरो इनपुट देखा तो ए पर हो आप और वन सीक्वेंस डिजायर्ड मिल गई, लेकिन अगर यहाँ जीरो आता तो जीरो तो कोई इनपुट कंडीशन है ही नहीं अपने पास, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेट रहेगी सी जीरो ऑब्लिक जीरो. ये अभी जो मैंने क्रॉस किया है ना सी को, ये अभी ऐसे नहीं करना है, अपन को लिखना है बी यहाँ पे रह दिया, लिख दिया, तो एक अदर स्टेट लिखेंगे सी, सी जीरो ऑब्लिक जीरो. ऑब्लिक जीरो मतलब कोई आउटपुट नहीं मिला, और सी जीरो क्या है, ये एक स्टेट है. मतलब अगर जीरो इनपुट है जो डिजायर्ड नहीं है तो हम सी जीरो पे मूव करेंगे. अब क्या करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हो न्यू मार्केट में, ठीक है, आपको न्यू मार्केट से हमने कहा कि एमपी नगर जाना है. जैसे ही आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको एमपी नगर जाना है, डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन. लेकिन अगर आपको डिजायर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं मिला तो ऐसा है क्या कि आप वहां से कहीं और चले जाओगे, 10 नंबर चले जाओगे, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो है न्यू मार्केट टू एमपी नगर. ये फर्स्ट स्टेट न्यू मार्केट, सेकंड स्टेट एमपी नगर. ठीक है, तो हमने अभी वही किया है, आप इनिशियल स्टेट पे थे, आप न्यू मार्केट पे खड़े थे, और आपको जब पहला डिजायर्ड इनपुट मिला वन, तो
तो आप चले गए एमपी नगर, ठीक है। अब यहाँ पे अनडिजायर्ड स्टेट था जीरो, तो जीरो पे हमने अभी थोड़ी देर के लिए टेम्पररी यहाँ पे स्टेट असाइन करी है सी विथ जीरो, ब्रैकेट में लिखा है जीरो, मतलब जीरो के थ्रू हमें ये मिली है, ठीक है। लेकिन अब इसको क्रॉस करने का रीजन क्या है वो अपन यहां देखते हैं। यहां पे देखो आप, ये क्या है, जीरो है और ये क्या है, वन वन वन। यहां पे अपन लिखते हैं डिजायर्ड सीक्वेंस, ठीक है, इसको ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब डिजायर्ड सीक्वेंस में क्या है, जब जीरो आप यहां लिखोगे और यहां वन 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 लिखोगे, अब देखोगे कि अगर जीरो आपको मिलता है तो कोई सी इनिशियल स्टेज पे आप मूव कर सकते हो क्या, तो आप तो अभी इनिशियल स्टेज से शुरू करा था आपने, तो दोनों के नीचे यहाँ पे आप चेक करोगे कोई कॉमन मैच नहीं है, तो हम लिखेंगे नो मैच। नो मैच के बाद अगला क्या लाइन लिखा हुआ है, रिमेन्स इनिशियल स्टेट, अगर कोई मैच नहीं करेगा तो आप इनिशियल स्टेट पे ही रहोगे। मतलब अगर आप न्यू मार्केट में खड़े हो और अगर डिजायर्ड सीक्वेंस आपको मिली पहली में ही, तो आप न्यू मार्केट में ही रहोगे, आगे नहीं जाओगे। तो अपन ने क्या करा, इसको हमने क्रॉस किया और वापस क्या लिख दिया, ए कॉमा जीरो। तो अपनी पहली लाइन अभी कंप्लीट हुई, ए कॉमा जीरो बी वन। यहां तक क्लियर है सबको? अब अगला काम क्या है, ए से बी पे आ गए। पर ये क्रॉस वाला नहीं समझ में आया, मतलब सी जीरो को क्रॉस करके ए लिखा। भाई आपको डिजायर्ड सीक्वेंस क्या थी, आपको न्यू मार्केट से जाना था एमपी नगर, लेकिन अगर आपको इनपुट मिलेगा तब एमपी नगर जाओगे ना, आपको वो इनपुट मिला ही नहीं जिसके थ्रू जाना था, तो आप क्या करोगे, वहीं खड़े रहोगे। जनरल वे में तो यही करेंगे ना अपन, कि अपन वेट करेंगे अपने डिजायर्ड सीक्वेंस का। जैसे आपको मैंने कहा कि आपको ए के साथ एमपी नगर मूव करना है, लेकिन ए आपको आए ही नहीं लेने, तो आप वहीं पर रुकोगे, वेट करोगे, ठीक है, कोई थर्ड प्लेस पे तो जा ही नहीं सकते। सेम वही चीज है कि ए स्टेट पर हो आप बी पे जाओगे, लेकिन अगर जीरो मिलता है तो आप एक सी, हम क्या करते हैं जब ये टेबल बनाते हैं तो रैंडम स्टेट ले लेते हैं, आप नहीं भी लेना हो तो आप डायरेक्ट ए जीरो भी लिख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि ये कोई पुरानी स्टेट है क्या जहाँ पे जीरो मिल रहा है अपन को, लेकिन अभी शुरू हुए हैं तो यहाँ जीरो कहाँ मिलेगा, इनिशियल स्टेट पे, तो आप ए जीरो कर दो। अब आपको ये चीज समझ में आएगी सेकेंड लाइन से, बी वन आपका इनपुट क्या है, बी वन। अब ए से आप बी पे आ गए, अब बी के बाद भी आपको अगली कोई स्टेज दी होगी कि वहां से वहां जाना है, तो अब बी स्टेट से अगेन जब आपको वन मिलेगा, तो अगर आपको जीरो मिला तो आपने वन जीरो, अब आपकी लाइन क्या बन गई, वन के बाद आपको जीरो मिला तो सी वन जीरो कॉमा जीरो, और जब वन मिलेगा इनपुट में तो क्या हो जाएगा, बी वन वन। तो ये बी से कहां मूव कर गए, डी पर विथ आउटपुट जीरो, ठीक है। तो एक वन यहां मिल गया, दूसरा दो वन यहां मिल गया डी पर, ठीक है। आपको चाहिए थे वन वन वन, तीन कॉन्सिक्यूटिव वन, तो अभी वन वन के दो वन मिल गए। अब वापस से अपन इसमें जीरो वाला स्टेट देखेंगे, सी वन जीरो, अब ये तो फिर अनडिजायर्ड स्टेट है, फिर से अपन चेक करेंगे, तो अपन यहां लिखेंगे वन जीरो और लिख लेंगे वन वन वन। और इसकी मैचिंग कैसे चेक होती है, इसका एमएसबी अगर ये मैच हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो इसका एमएसबी हटा दो और इसका एलएसबी हटा दो, फिर देखो कि क्या मैच हो रहा है। तो ये जीरो है, ये वन वन है, अभी भी नो मैच है, तो इसका मतलब क्या है, नो मैच में अगेन गो टू द इनिशियल स्टेट। तो फिर से अपन ने इसको कट किया और ये जीरो पे वापस से मूव किया, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन फिर से जाएंगे डी स्टेट पे, डी स्टेट पे वन वन आपको मिलता है, तो डी स्टेट पे वन वन के बाद अगेन आपको वन मिलेगा, तो आप क्या लिख रहे हो, ये देखो जो पहली लाइन में लिखता हूं ना, ये आप भी लिखोगे अपने टेबल में, तो फर्स्ट इज द टेम्परेरी, क्योंकि हमको उसको चेक करना है। अब जब डी वन वन पे आपने देखा कि ई वन वन वन, डी के बाद ई मिलेगा आपको, डिजायर्ड स्टेट आपको 111 हो गई, तो आपने आउटपुट कर दिया 1, ये फुलफिल हो गए आपकी कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ देखो कि 111 कंडीशन में आप ई स्टेट पे जा रहे हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, ओवरलैपिंग अलाउड, तो हम ये एक स्टेट अपनी एक्स्ट्रा ना हो उसलिए हम देख लेते हैं कि क्या अपन को 111 कंडीशन
अर्लियर स्टेज पे सेटिस्फाई हो सकती है क्या? तो हमने क्या देखा, वन 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 कॉमा वन। अब देखो यहाँ पे वन 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 लिखो, ये अपनी डिजायर्ड कंडीशन है और ये अपन को मिला है, ठीक है। ये अपन को वन 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 पहुंचे और ये अपन को क्वेश्चन में दिया था। अब आप यहाँ से देख लो कि यहाँ पे ये वन वन मैच हो गया तो अपन ये देखेंगे क्या किसी प्रीवियस कंडीशन पे ये सेम कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अपन यहाँ से एम एस बी को हटाएंगे और यहाँ से एल एस बी को हटाएंगे। जो क्वेश्चन दिया था वो अपन राइट साइड में लिखते हैं और जो कंडीशन अपन को मिलती है वो लेफ्ट में लिखते हैं। लेफ्ट वाले का एम एस बी हटाओ, राइट वाले का एल एस बी हटाओ। अब ये देखो कि अपन चले गए प्रीवियस स्टेट पे, वन वन और वन वन। अब ये दोनों कंडीशन मैच हो गई। अब हम ये देखते हैं क्या वन वन अपन किसी को अगर मैच हो रही है मतलब कोई एक ऐसी स्टेट होगी जहां पे आपको वन वन पहले मिल चुका होगा। तो डी वन वन से जब वन इनपुट मिलेगा तो अगेन आप वन वन स्टेट कहाँ है, ये डी, तो आप वापस से डी वन वन पे मूव कर जाओगे। मतलब डी के बाद आपको जब वन मिलेगा ना तो आप घूम के वापस से डी पे आ जाओगे। तो ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई विद आउटपुट वन। क्लियर। सेम चीज जब अपन को जीरो मिलता है तो अभी इनपुट क्या है, वन वन, और आउटपुट क्या है, डी कब मिल रहा है, वन वन पे, और इनपुट जीरो मिला तो क्या सीक्वेंस हो गई, वन वन जीरो, और डिजायर्ड क्या है, वन वन वन, दोनों मैच नहीं कर रहे। अब क्या करें, यहाँ से एम एस बी को हटाएं, यहाँ से एल एस बी को हटाएं। अब देखा वन जीरो और वन वन फिर नीचे लिखा, अब ये भी मैच नहीं कर रहे तो फिर इसको हटाया और इसको हटाया, फिर देखा ये जीरो है ये वन है, अभी भी मैच नहीं कर रहा है। नाउ मूव टू द इनिशियल स्टेट, फिर से अपन इनिशियल स्टेट पर मूव करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो सी वन वन जीरो तो लिख लिया था टेम्प्रेरी, लेकिन उसको अपन ने कट किया और वापस से इनिशियल स्टेज पे अपन ने मूव किया, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल बनाते हो। ये जो अपन चेक कर रहे हैं मैचिंग कंडीशन, वो इसलिए चेक कर रहे हैं कि अपन को, क्योंकि हर एक स्टेट का मतलब है एक डिजिटल सर्किट, तो अपन को डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करना है। तो अपन बार बार वो स्टेट भी देख लेते हैं कि क्या एक स्टेट पहले अपन को वो कंडीशन सेम मैच कर रही है तो अपन अगेन उस पर मूव कर सकते हैं, तो हमारा एक एक्स्ट्रा सर्किट कम हो जाएगा तो डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अपन इसकी मैचिंग देखते हैं। ये वाली चीज को समझने के लिए, ये तो स्टेट डायग्राम था, तो इसको हम देखो फाइनल स्टेट डायग्राम इसका कैसे बनाते हैं। ये ऐसे ए से जीरो मिला तो ए से वन मिला तो बी पे आ गए, आउटपुट जीरो, और जीरो मिला तो ए पे ही रुकेंगे, ए जीरो, ठीक है। अब बी है अगला क्वेश्चन, अगला स्टेट बी है। अब बी से फिर अपन को चाहिए वन वन वन, ठीक है ना। तो वन 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 वन, जब पहला वन मिल गया अब अपन बी पे आ गए, बी पे अपन को फिर चाहिए वन, तो जैसे ही वन आया तो अपन डी पे आ गए विद आउटपुट जीरो, और अगर नहीं कुछ मिला तो ए पे रहेंगे, रिमेन्स ए, ठीक है। अब अपन डी पे आ गए तो डी पे फिर अपन ने चेक किया, जीरो आया तो ए पे रहे, ए पे जाएंगे इनिशियल स्टेट पे, और अगर वन आया तो वन वन वन, ये डी वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो अपन वापस से डी पे मूव कर देंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए अब अपन इसका ग्राफ देखते, या तो इसको डायरेक्ट आप देख लो तो ये ग्राफ स्टेट डायग्राम बना लो, या फिर अपन के पास अगर वन वन कंडीशन है, वन वन वन, तो अब देखो इस डायग्राम से अगर आपके पास ये डायग्राम होगा तो ये ग्राफ आप लोग बना सकते हो। मुझे पहले ये इंश्योर करो, अगर ये गिवन है तो आप ये बना लोगे इजीली, ये वाला डायग्राम आपको स्टेट डायग्राम ये वाला दिया फाइनल डायग्राम, तो इसको देख के ये एज इट इज बना सकते हो कि फर्स्ट लाइन में ए लिखा है तो ए वर्टाइसेस हैं, फिर ए से अपन ने यहाँ देखा जीरो पे जीरो आउटपुट है, ए पी रहेंगे तो वहीं घूम गए और इनपुट जीरो ऑब्लिक आउटपुट जीरो, फिर वन पे अपन बी पे गए तो ये वन जीरो, ठीक है ना, ठीक है। अब हम देखो, अब अपन क्या करते हैं, अपन चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है वन वन वन। अब किसी को अगर लगता है कि स्टेट टेबल बनाने में इशू है तो वो स्टेट टेबल ना बनाए, अपन स्टेट ग्राफ बनाते हैं डायरेक्ट। अब डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनता है, जब सपोज ये मिल गया तो आप ये बना ही लोगे, लेकिन अपन डायरेक्ट ये बनाना सीखते हैं। सपोज इनिशियल स्टेट अपन ने ली ए, है ना,
एक मिनट, हमने एक स्टेट ली यहाँ पे ए, ठीक है, और इसके अंदर भाई दादाजी का भाई नहीं गई, इसके अंदर अपन ने लिख दिया ए, ठीक है, एक स्टेट ली है। हाँ ना जय, तो मैं भी नहीं कर रही, कहाँ जा रहे हैं कोई आप नहीं, मैं इसको नहीं आ रहा, हमें टाइम नहीं चाचा। तो यहाँ पे बुआ का कह रहा हूँ ए, अब ए पे हमने देखा कि इनिशियल स्टेट पे जब आपको जब आपको वन मिलेगा तब आगे जाना है, नहीं मिलेगा तो वहीं पे रहना है, क्योंकि वहीं रहेंगे ना, हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तभी आगे करेगा ना काम अपना सब। तो अपन कहाँ आ गए, बी पर, नहीं मिला तो अपन रहेगा जीरो पे, ठीक है। तो जैसे ही आपको वन मिला तो आपने क्या किया, वन मिला तो हम आ गए बी पर, और अगर अपने को वन वन मिला आउटपुट जीरो, और अगर वन नहीं मिला तो अपन क्या करेंगे, अपन ए पे ही रहेंगे, ठीक है, मतलब जीरो इनपुट ऑब्लिक जीरो आउटपुट, ठीक है। सिमिलरली ये सर्किट में आप देख सकते हो कि ए पर हो आप, आपको वन मिला तो आप बी पर आ गए, और अगर नहीं मिला है बी तो आप जीरो पे रहे, ये कंडीशन हो गई। अब अपने पास अगला क्या दिया हुआ है, पहले वन कंप्लीट हो गया, अब अपन को दिया हुआ है दूसरा वाला वन, तो बी पर फिर आप वो डिजायर्ड पहले लिख लो, आपको फिर एक बी मिला तो आप यहाँ से डी या सी जो भी लिखना है वो लिख लो, वन ऑब्लिक जीरो पे अगेन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, और अगर आपको जीरो मिलता है तो आप देखोगे आपको बी कब मिल रहा था, जब वन आ रहा था, तो आप बी पे तो रह नहीं सकते क्योंकि बी की कंडीशन क्या है, वन है, जब वन आएगा तब बी मिलता है, तो जीरो पे तो बी मिल नहीं सकता, तो वो कौन सा इनपुट है जो जीरो आने पे वन मिल, जीरो आने पे मिल रहा है, तो वो अपने पास केवल ए ऐसा है जिस पे जीरो आता है, तो हम ए पे ही रहते हैं, तो हम बी से जब बी पे जीरो आएगा तो वापस से ए पे मूव कर जाएंगे। यहां तक क्लियर है? हम वो चीज देखते हैं कि ये जीरो इनपुट पे हम उस कंडीशन पे जाते हैं जो इस जीरो इनपुट पे हमें मिल रही है स्टेट, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, है ना, हम लोग सपोज हमने बोला कि नेहरू जो अपना अपना जो एमपी नगर है वो अगर अपन रेड बस में बैठेंगे 10 नंबर की तो अपन एमपी नगर जाएंगे, और 4 नंबर की बस में बैठेंगे तो न्यू मार्केट जाएंगे, फॉर एग्जांपल। तो अब अगर अपन सपोज आपके पास 10 नंबर की बस है तो आप न्यू मार्केट चले से एमपी नगर आ गए, सपोज बी पर थे और 10 नंबर बस आई तो आप एमपी नगर आ गए, लेकिन 4 नंबर की बस आई तो हम वो वाला स्टेट चेक करेंगे जो कि न्यू मार्केट है, तो यहाँ पे न्यू मार्केट अपना ए है। आ रही है मेरी बात समझ में, कि हमें वो इनपुट देखना है। ये एरो का मतलब ये नहीं होता कहीं भी चले जाओ, एरो से अपन ये डिसाइड करते हैं कि ये एरो किस पर्टिकुलर स्टेट पे हमें वो पर्टिकुलर इनपुट के थ्रू मिल रहा है। तो ये वाली स्टेट ए जो है वो जीरो पे मिल रही है, और बी के बाद अगर जीरो आएगा तो भी हम ए पे जाएंगे। अगेन हम डी पर आ गए, डी पे हमें क्या मिला, वन वन। अब अगर एक बार और वन आता है तो वन वन वन। अब अपन डी पे आ गए तो यहाँ पे अगेन वन आएगा तो हम वापस से इसी स्टेट पे रुक जाएंगे, क्योंकि ये कब मिलता है अपन को, वन वन पे। तो अगर अपन बोले वन 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 तो सीक्वेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे आया 110 तो जीरो वाली स्टेट पे जाना पड़ेगा अपन को जो जीरो पे हमें मिल रही है। तो जीरो वाली स्टेट अगेन कौन सी है, ए। तो यहाँ से फिर अपन ए पे चले गए, ठीक है ना। तो अगर आपको स्टेट डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं आई, आप ये सीक्वेंस पढ़ना सीख लो। जैसे अपन डी पर है तो डी कब आएगा, 11। ए कब आएगा, 0। बी कब आएगा, सिंगल वन। डी कब आएगा, डबल वन। और ट्रिपल वन जब आया मतलब 111, तो आप यहां से भी मूव करोगे डी पर, तो वो सीक्वेंस में कोई सीक्वेंस अपनी वो नहीं हो रही खराब, 110 नहीं आ रहा, अपना 111 ही आ रहा है, इसलिए अपन डी पे आ गए, ठीक है। और यहां से जीरो आया है तो ए पर हैं। तो ये सिंपल सी चीज थी इसमें, और सेम अपन को एक क्वेश्चन, ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है?
ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीक्वेंस आपको बनानी होंगी। अब अपन अगर ये डायग्राम अपना क्लियर है तो अपन इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, जो कि ए बी और सी, ए बी और डी तीन अपने को स्टेट मिली है। तो ट्रांजिशन टेबल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको बनाना है इसका लॉजिक डायग्राम जो कि ये पर्टिकुलर 111 दे। तो उसके लिए अपन को 00 पे 01 पे काम करना पड़ेगा। तो हमने दो तीन इनपुट तीन स्टेट्स थी, तो उसके लिए हमने तीन रैंडम सीक्वेंस ले ली 00 01 11, ठीक है। और अब इस सेम सर्किट को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांजिशन टेबल में। तो ट्रांजिशन टेबल में क्या चीज आएगी, ए की जगह 00, बी की जगह 01, डी की जगह 11। तो यहाँ पे तीनों जगह 00 00 00 00 और यहाँ पे 01 11 11, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, ये देखिए ये जो टेबल आपने बनाई है 00 01 11, ये ए बी डी को अपन ने कन्वर्ट किया ट्रांजिशन में, ठीक है ना। अब ट्रांजिशन में कन्वर्ट करने के बाद अपने को तो क्या करना है, फ्लिप फ्लॉप यूज करना है यहाँ पे। तो फ्लिप फ्लॉप में टी फ्लिप फ्लॉप हमने लिया, टी ले लो डी ले लो, क्योंकि ये क्या है इजी होते हैं। तो आपने टी फ्लिप फ्लॉप लिया, तो देखो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या रहेगा, हमने ये ए बी जो प्रेजेंट स्टेट है यहाँ पे, ये इधर प्रेजेंट स्टेट में रख दी। नेक्स्ट स्टेट अपन ने ये दोनों एज इट इज रख दी और इस पे नेमिंग कर दी, ये ए बी है वेरिएबल, है ना, ये उस ए बी से मैच नहीं करना, ये ए बी आप एस वन एस टू ले लो या वी वन वी टू ले लो। और यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी प्लस, तो जो फ्लिप फ्लॉप है उसके नाम लिखे हैं अपन ने यहाँ पे, कि दो फ्लिप फ्लॉप लगेंगे क्योंकि दो लाइन है कॉलम, तो ए बी और ए प्लस बी प्लस व्हेन एक्स इज जीरो एंड ए प्लस बी प्लस व्हेन एक्स इज वन, ठीक है, ये हो गया। अब अपन को क्या करना है, टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बना के उसका आउटपुट इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन टी एक्स जीरो में रिक्वायर्ड इनपुट कैसे लिखेंगे, एक्स जीरो पे टी ए टी बी और एक्स वन पे टी ए टी बी, ठीक है। तो अब अपन यहां से उठाते हैं इसको, हम देखेंगे ए बी, और जब अपन टी ए व्हेन एक्स इज जीरो, तो टी ए कब मिलेगा, जब ए बी इनपुट है, एक्स इनपुट है और ये वाला ए, ये वाला ए, ठीक है। तो अपन को क्या मिल रहा है, ये वाला आउटपुट मिल रहा है टी ए का, ठीक है। और जब अपन एक्स इक्वल टू वन पे जा रहे हैं, तो ये रेड रेड तीनों कॉमन रहेंगे, ए प्लस देखेंगे और इस कंडीशन में आपको मिलेगा ये वाला आउटपुट, ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो जीरो जीरो था, एक्स जीरो है, तो अब आपको केवल ए वाला देखना है। हाँ ये एक एक मिनट, ये एक मिनट, एक चीज गड़बड़ हो गई, केवल ए वाला देखेंगे, ए और ए प्लस और ए प्लस एक्स जीरो। ये रिक्वायर्ड इनपुट हमने कैसे लिखा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू वन। रिक्वायर्ड इनपुट आपको बेटा ट्रुथ टेबल बनानी है ना, कि टी फ्लिप फ्लॉप कब कैसे काम करेगा, तो हमें उस टी फ्लिप फ्लॉप की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अब कैसे काम करेगा, अपन को टी ए बनाना है, दिस इज टी ए। तो टी ए के लिए अपन देखेंगे जितने भी ए हैं वो पर्टिकुलर इनपुट कंडीशन पे क्या है, जैसे एक्स जीरो की बात करें, फर्स्ट वाले कॉलम की बात करें, इस वाले कॉलम की, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट वाले कॉलम की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो ए आपका जीरो है, एक्स जीरो पे ए अभी भी जीरो है, तो जीरो और जीरो नो चेंज। तो टी फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन क्या होती है एक्साइटेशन टेबल में, नो चेंज, अगर कोई चेंज नहीं है, स्टेट सेम है, तो वो आउटपुट जीरो देगा। तो यहाँ पे अपन ने जीरो लिख दिया, ठीक है। अगला अपन ने फिर ए देखा प्रेजेंट स्टेट में ए, और नेक्स्ट स्टेट एक्स जीरो पे फिर देखा, तो ये अगेन जीरो है, तो अपना टी फ्लिप फ्लॉप नो चेंज, फिर जीरो आ गया। लास्ट इनपुट में अपन ने देखा ए अपना वन है, और एक्स जीरो इनपुट पे ए अभी जीरो हो गया, तो वन से जीरो हो गया, स्विचिंग हो गई, टॉगल हो गया, तो यहाँ पे अपना टी फ्लिप फ्लॉप वन हो गया। समझे हाउ टू राइट एक्साइटेशन टेबल, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट को देख के अपन लिखते हैं एक्साइटेशन टेबल, बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप की, कल जो अपन ने क्लास में करा था।
तो हम ये सिंपल सा चीज ध्यान में रखो, टी फ्लिप फ्लॉप में प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट वाले कॉलम देखेंगे, अगर वो स्टेट सेम है तो जीरो और अगर नहीं है तो वन, मतलब स्टेट में स्विच हो रहा है या तो जीरो से वन हो रहा है या वन जीरो हो रहा है, ठीक है ना। अब आप एक और देख लो यहाँ पे, हम बात करते हैं टी ए के लिए, When x is one, जब x वन हो जाएगा, जब x ये वन हो रहा है उस कंडीशन में अब अपन को कौन कौन सी टेबल देखनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे, जीरो एंड जीरो, तो नो चेंज, जीरो आ गया, जीरो एंड वन तो यहाँ पे आ गया वन, वन एंड जीरो, सॉरी यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो अपन के पास क्या आ गया, जीरो, नो चेंज। तो इस तरह से हमने टी ए बना लिया और टी ए एक्स जीरो पे बना लिया और टी ए एक्स वन पे बना लिया। अब सेम वे में आपको टी बी के लिए काम करना है, तो टी बी के लिए आप ये टी बी का इनपुट है, एक्स जीरो पे टी बी ये है और एक्स वन पे टी बी, इसका कलर में बदल देता हूँ, एक्स वन पे टी बी ये है। तो जब जीरो जीरो वाले देखेंगे, एक्स जीरो की बात करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला टीबी क्रिएट करेंगे, और जब जीरो और वन वाली बात करेंगे तो हम टीबी वन वाला क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लो, ब्लैक ब्लैक, जीरो जीरो पे नो चेंज मतलब जीरो, वन जीरो पे चेंज मतलब वन, अगेन वन जीरो पे चेंज मतलब वन, ठीक है ना। और बी वाले में देख लो, जीरो और जीरो पिंक कलर, जीरो वन तो वन, वन वन सेम स्टेट तो जीरो, वन वन सेम स्टेट तो जीरो। तो इस तरह से हम लोग ये इसको मार्क करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये एक्साइटेशन टेबल आपने बना लिया, तो अब आप देखोगे टी ए के लिए के मैप बनाओगे, टी बी के लिए के मैप बनाओगे। तो वो बनाने का मेथड सेम है जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था। हाँ, अब टी ए के लिए बनाना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, देखो टी ए के लिए बनाना है, तो टी ए के लिए एक्स और ए बी तीन इनपुट हो गए अपने, तो ए बी अपन ने ऊपर लिख लिया, एक्स इनपुट नीचे लिख लिया, व्हेन एक्स इज जीरो एंड एक्स इज वन और ए बी की चार ही कंडीशन। तो इससे मैप बना लो पहले कि अपन को वन कब मिल रहा है। तो आप देख लो, व्हेन ए बी जीरो और एक्स इज जीरो, तो यहाँ पे जीरो 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 पे टी ए क्या दे रहा है, जीरो, ठीक है। अपन वन वाला देख लेते हैं, वन पे क्या हो रहा है, जब ये दोनों वन वन है, ए बी वन वन है ना, और एक्स आपका जीरो है, जब ए बी वन वन है और एक्स आपका जीरो है, तब आपको वन मिल रहा है, ये वन मिला, ये देखो ये वन है, टी ए वन है, जब ए बी आपका वन वन है और एक्स आपका जीरो है, इस कंडीशन में टी ए क्या है, वन है। सिमिलरली जब एक्स आपका जीरो है और ए बी आपका वन वन है, तो आपको टी ए क्या मिलेगा, आया समझ में, टेबल बनाना। उसके बाद एक वन आपको टी ए जब एक्स वन होगा तब मिल रहा है, जब एक्स वन है तब आपको, जब जीरो वन है ए बी, ए बी जब जीरो वन है, और एक्स आपका वन है, तो यहां पे आपको ये वन मिला, ठीक है। और 1-0 की कोई स्टेट ही नहीं ली थी अपन ने, तो वो दोनों डोंट केयर हो गए, अदरवाइज सारे जीरो हैं। इसको फिर सॉल्व करके आप बना लोगे टी ए, सिमिलरली आपको टी बी बनाना है, ठीक है। टी ए और टी बी आने के बाद नेक्स्ट स्टेट होता है आपका ये डिजाइन सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये एक जेड की, जेड जो है आउटपुट अपन को कब मिल रहा है, जब ऑल वन है,
यहाँ से अपन देख सकते हैं जब सारे वन 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 होते हैं ए बी वन और एक्स वन 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 तब आउटपुट वन मिलता है, तो एक उसकी टेबल बन जाएगी। और सर्किट डिजाइन के लिए टी ए और टी बी और जेड ये तीन सर्किट बनाना है। टी ए की इक्वेशन अपन ने लास्ट उसमें निकाली है, टी बी की इक्वेशन निकाली है, तो दोनों से ये इजीली ये सर्किट आपका डिजाइन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल योर सीक्वेंस डिटेक्टर। अब मैं